good morning students how are you all i hope and i'm sure you all will be fine and safe at your home so today i'm going to teach you chapter number 8 the hidden hunt from your new pathways and interactive course in english okay so all of you will open page number 80 so here is the chapter number 8 the hidden गिफ्ट व बिनिंग ऑफ हिडन हिडन का मतलब क्या होता है छुपा मतलब हुआ और गिफ्ट का मतलब इनाम स्टार्टर डू यू लाइक टू हर्न फॉर हिडन गिफ्ट गिफ्ट कैन यू हेल्प कैन रीच द ट्रेजर चेस्ट चूज द करेक्ट पाथ दैट विल टेक हेम टू द्या हिडन गिफ्ट को सर्च करना या हंट करना या खोजना अच्छा लगता है तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको केविन को हेल्प करना है किस चीज में हेल्प करना है आपको टू रीच द ट्रेजर चेस्ट ट्रेजर मींस खजाना खजाना खोजने में आपको उसकी हेल्प करनी है तो यहाँ पे यू कैन सी हियर इज अ पिक्चर ओके एंड देयर आर देयर इज वन हिडन गिफ्ट दैट इज अ ट्रेजर चेस्ट ठीक है ये है खजाना और बाकी सारी चीजें नॉर्मल चीजें हैं और यू हैव गिवन फोर पाथ फोर वेज टू थ्री फोर सो यू हैव टू फाइंड विच पाथ या विच वे विल बी द करेक्ट वे टू रीच द ट्रेजर चेस्ट वन से चलोगे तो कहाँ पहुंचोगे टू सेकेंड वाले वे से चलोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे क्योंकि यहाँ पे किसी से आप आ, शार्क तक पहुंचोगे किसी से आप ट्रेजर हंट तक ट्रेजर को हंट करोगे कोई पाथ ऐसा होगा जिससे चलते चलते आप बम तक पहुंचोगे और किसी पाथ से चलते चलते आप ऑक्टोपस से पहुंचोगे तो आपको तो कहाँ पहुंचना है आपको तो खजाना खोजना है तो आपको उसका उसके लिए राइट वे कौन सा होगा वो आपको फाइंड करना है सो दिस इज योर होम वर्क यू विल डू योर सेल्फ ओके नाउ लेट अस स्टार्ट चैप्टर Now let us read this story. It was Meenal's birthday. All her friends came to her house for a party. Meenal का birthday है आज ठीक है और सारी उसकी friends हैं जो वो उसके घर आए हैं party के लिए okay? They gathered around the dining table. वो सारे के सारे dining table है जो उसके चारों तरफ खड़े हैं क्यों खड़े हैं There was a cake on the table. क्योंकि table में क्या रखा है केक रखा है हैप्पी बर्थडे मीनल वॉज रिटर्न ऑन द केक और केक के ऊपर क्या लिखा है हैप्पी बर्थडे मीनल एज यू कैन सी हेयर हेयर इज रिटर्न हैप्पी बर्थडे मीनल ओके दियर वर्थ सेवन कैंडल्स टू और उसके ऊपर सेवन कैंडल्स भी लगी है मीन्स मीनल कितने ईयर्स की होगी सेवन ईयर्स की मीनल ब्लो आउट द कैंडल्स एंड कट द केक मीनल ने क्या किया कैंडल्स जो जल रही थी उनको ब्लू आउट किया फूक मारकर उनको बुझाया और उसके बाद केक को कट किया ओके नाउ कम टू द पेज नंबर एटी वन एवरी वन एंड सैंग हैप्पी बर्थडे फॉर मीनल सबने जितने भी फ्रेंड्स थे उसके सबने क्लैपिंग करी और उसके लिए सॉन्ग गाया हैप्पी बर्थडे द चिल्ड्रन रोमड अराउंड एंड प्लेड गेम्स मेरेली सारे बच्चों ने फिर उसके बाद क्या किया इधर उधर खेले और सब ने गेम्स खेले मैरिली मैरिली मतलब खूब खुश होकर सब ने अच्छे से खेला देर व कलरफुल बैलून्स हैंगिंग एवरीवेयर वहाँ पे सब तरफ चारों तरफ कलरफुल बैलून्स हैंगिंग मीन्स लटके हुए थे मीनल्स मदर हैड अरेंज फॉर अ ट्रेजर हंट इन द गार्डन मीनल की मदर ने अब सब बच्चों के लिए एक गेम अरेंज किया था उस गेम का नाम क्या था ट्रेजर हंट ट्रेजर हंट मतलब खजाने की खोज अब वो कौन सी जगह में करनी थी गार्डन में आफ्टर सी गेव द सिग्नल ऑल द चिल्ड्रन रेन आउट टू लुक फॉर अ पार्सल दैट मीनल मदर हैड hidden. तो उस गेम में क्या था आ, मदर ने बताया मीनल की मदर ने बताया कि आप सबको क्या करना है एक पार्सल रखा है गार्डन में छुपा के उसको आपको फाइंड करना है या फिर उसको खोजना है दे लुक बिटवीन द फ्लावर्स बैड एंड अंडर द बुश तो सारे बच्चे फटाफट से एक्साइटेड होके क्या करने लगे कोई फ्लावर बेड्स मतलब फूलों की क्यारी में जाके खोजने लगा कोई अंडर द बुशेज मतलब झाड़ियों के पीछे और झाड़ियों के नीचे खोजने लगा कि वहाँ पे कुछ पार्सल मिल जाए हमको कुछ गिफ्ट मिल जाए दे ऑल्सो लुकड इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री और कुछ कुछ बच्चों ने तो पेड़ों के जो ब्रांचेज होती है टहनियाँ होती है उनमें जाकर भी देखना शुरू कर दिया कि कहीं वहां तो नहीं Uh, ट्रेजर को छुपा के रखा है खजाने को छुपा के रखा है आई हैव गॉट फाउंड इट स्क्रीम विनोद एक्साइटेडली अब विनोद जो फ्रेंड था मीनल का वो बहुत जोर से चिल्लाया कि मुझे ये मिल गया है He ट्राई टू lift द पार्सल बट इट was वेरी हैवी अब उसको पार्सल दिख तो गया और उसने उसको उठाने की कोशिश करी लिफ्ट मतलब उठाने की कोशिश करी लेकिन इट वॉज़ वेरी हैवी लेकिन वो उसको नहीं उठा पाया क्योंकि वो बहुत क्या था भारी था आई है एट द सेम टाइम फ्रॉम बिहाइंड द फिर उसी टाइम पे जो फ्रेंड थी मिनल की दूसरी वो भी भी चिल्लाने लगी कि मुझे भी एक पार्सल मिला है एवरी वन वॉज पजल सारे के सारे जितने थे वहां पे क्या हो गए पजल हो गए परेशान हो गए क्योंकि पार्सल तो सिर्फ एक रखा होता है ना एक गिफ्ट होता है हिडन गिफ्ट उसको खोजना होता है लेकिन यहाँ तो दो, दो दो पार्सल मिल गए थे मीनल मदर वॉज सरप्राइज टू मीनल की जो मदर थी वो भी सरप्राइज हो गई थी वो भी अचंभित हो गई थी शी हैड है ओनली वन पार्सल क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ एक ही पार्सल को छुपा के रखा था हाउ कुड टू चिल्ड्रन फाइंड डिफरेंट पार्सल तो सोचने लगी कि कैसे दो बच्चों को पार्सल मिल गए अलग अलग शी सॉ दैट विनोद वॉज मेकिंग एन एफर्ट टू कैरी द पार्सल उन्होंने क्या देखा मदर ने देखा कि जो विनोद है विनोद को जो पार्सल मिला है वो उसको कोशिश कर रहा है उसको उठा के लाने की द पार्सल शी हैड हीडन हैड ओनली लिटिल स्टोरी बुक फुल ऑफ पिक्चर इट इट वॉज नॉट हैवी अब वो सोचने लगी कि जो उन्होंने पार्सल छुपाया था उसमें तो सिर्फ क्या स्टोरी बुक्स थी स्टोरी बुक्स थी जिसमें पिक्चर्स थी बस वो तो इतना भारी नहीं होगा लेकिन जो विनोद को पार्सल मिला है वो तो बहुत भारी है वो उन्होंने सोचना शुरू किया रीता कैरीड द पार्सल इजीली अब जो रीता को पार्सल मिला वो, उसको वो बहुत आसानी से उसने उठा लिया मीनल्स मदर न्यू दैट रीता हैट द पार्सल विद द स्टोरी बुक अब मीनल की मदर समझ गई उनको पता चल गया कि जो रीता को पार्सल मिला है वही स्टोरी बुक का है लेकिन जो विनोद को मिला है वो स्टोरी बुक नहीं हो सकता क्योंकि वो इतना हैवी पार्सल था सो चिल्ड्रन टुडे वी विल स्टॉप योर ओनली नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट विद न्यू पेज ओके सो दिस इज योर होमवर्क यू विल रीड इट अगेन प्रॉपरली And we'll understand every meaning of every line. Okay? Thank you.